चलिए बहुत हुआ इंतजार, गूगल बॉयज से तो आप सब मिल चुके हैं, आइए हम आपको मिलाते हैं गूगल गर्ल से। ना आजकल हम आपके लिए कुछ ना कुछ अलग खोजने में लगे हैं। कभी भानगढ़ में सेंसर्स लेकर नेगेटिव एनर्जी को खोजा, तो कभी शिवराजपुर मंदिर में अश्वत्थामा को, लेकिन आज जो हम आपके लिए खोज कर लाए हैं उसे देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। ये खोज बच्चों से जुड़ी है, लिहाजा अपने आसपास जितने भी बच्चे हैं उन्हें टीवी सेट के सामने बैठा लीजिए, क्योंकि ये खोज असाधारण है, अद्भुत है, अनोखी है और देश के करोड़ों बच्चों के लिए एक मिसाल है। सबसे बड़ा देश, फिर उससे छोटा, 5 बता सकते हैं आप ऐसे? हाँ बताइए। रशिया, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राजील। 5 साल के कौटिल्य को इस देश में कौन नहीं जानता, इसे गूगल बॉय कहें या इंसाइक्लोपीडिया। इस बच्चे ने हर सवाल का जवाब देकर सबको हैरत में डाला, लेकिन यहीं से सवाल शुरू हुआ, क्या इस देश में कौटिल्य जैसा सिर्फ एक बच्चा है? यहीं से शुरू हुई हमारी खोज। हमें पता चला कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में 7 साल की एक ऐसी बच्ची है जिसको पढ़ाते हुए उसकी टीचर को भी डर लगता है, जिसके दोस्त उसे सुपर कंप्यूटर कहते हैं। एके जी से बहुत अच्छा दोस्ती है और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो बहुत अच्छी पढ़ती है और मैम का हर वक्त हर बात मानती है। कुछ भी पूछा जाए उसको वो तुरंत जवाब दे देती है। वो बहुत अच्छी है और जियोग्राफी में भी अच्छी है। दुनिया का हर देश, उसकी राजधानी, करेंसी से लेकर नदी, पहाड़, सब कुछ चुटकी बजाते ही ये बच्ची बता देती है। मेघल, ये बताइए वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज हैं टोटल? 196। तो आपको सबके नाम पता है? सबके कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? कॉन्टिनेंट 7। कौन कौन से? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया। 5 साल की उम्र से ये बच्ची लोगों के लिए रिसर्च और हैरत की वजह बनी हुई है। शुरू में इस बच्ची के टैलेंट को देखकर पिता हैरान भी हुए और परेशान भी। ये खासियत आई कैसे, सवाल लोग यही पूछ रहे हैं कि क्या कुछ सिखाया है आपने या अपने आप से ये सारी चीजें आने शुरू हुई, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची है, जिस तरीके से वो बता रही है, बोल रही है, बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि कैसे इतना सा बच्चा जो है ये सारी बातें सीख सकता है, बोल सकता है। थोड़ा बहुत मैं ट्राई किया कैसे पिकअप करती है, कैसे क्या करती है। इट्स वेरी आश्चर्य की बात है, हर एक चीज पिकअप कर ली। सबसे ताज्जुब की बात ये कि ऐसा नहीं कि दिन भर ये बच्ची किताबों में खोई रहती हो, इसका शौक कार्टून देखना और लोगों के कार्टून बनाना है। हम जानते हैं कि अब तक आपकी बेचैनी बढ़ चुकी होगी कि आखिर ये छोटी सी बच्ची है कौन, कौन है मेघाली। तो चलिए चलते हैं स्टूडियो में रोहित के पास और देखते हैं कि आखिर मेघाली है कौन और क्या है उसकी खूबियां। तो जी न्यूज पर सबसे पहले आपने देखा इंडिया के गूगल बॉय को, छोटा सा बच्चा जिसके पास दिमाग इतना बड़ा। और आज जी न्यूज ही आपके लिए लेकर आ रहा है इंडिया की गूगल गर्ल। जी हां, हिंदुस्तान के एक छोटे से शहर की रहने वाली 7 साल की बच्ची जिसे हमने नाम दिया है गूगल गर्ल का, और क्यों दिया है ये अभी आप जान जाएंगे। स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ मेघाली का, जिसे हम कह रहे हैं इंडिया की गूगल गर्ल। मेघाली से हम आपका तारुफ कराएंगे, मेघाली की खासियत आपको बताएंगे और सीधे मेघाली से आप बात कर सकेंगे, सवाल जवाब कर सकेंगे। मेघाली के पिता भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपको खासियत बता दें, बैठिए मेघाली। मेघाली 7 साल की हैं, उड़ीसा के भुवनेश्वर की रहने वाली हैं और मेघाली भूगोल के मायने में आप समझिए पूरा एटलस है, या फिर जो ग्लोब आप बाजार से खरीद कर लाते हैं, ये छोटी सी मेघाली असल में पूरा ग्लोब है। ग्लोब पर जितनी चीजें रहती हैं वो सब की सब मेघाली के दिमाग में बिल्कुल वैसे की वैसे छपी हुई हैं। और उनके साथ हैं मेघाली के पिता प्रफुल्ल स्वैन। स्वागत कीजिए मेघाली के पिता का भी जोरदार तालियों के साथ। हम एक बात आपको और बता दें कि हम मेघाली का कोई इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं करने वाले, हम केवल इस प्रतिभा को पूरी दुनिया के सामने लेकर आना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि देश के किसी भी कोने में अगर इस तरह का टैलेंट है जो छुपा हुआ है, तो हम लगातार कोशिश करते रहेंगे उस टैलेंट को पूरे देश के सामने लाने की। और उसी कड़ी में हमारी ये दूसरी कोशिश है गूगल गर्ल। मेघाली, सबसे पहले आप ये बताइए आपको कैसा लगा आपका नया नाम गूगल गर्ल?
अच्छा लगा। अच्छा लगा, पसंद आया आपको? आपको पता है हमने आपको ये नाम क्यों दिया गूगल गर्ल का? नहीं पता? आपको पता है कि आपके पास कितनी सारी नॉलेज है, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने स्टोर करके रखी है यहाँ पर? कैसे करते हो आप? पापा से सीखा। पापा से सीखा? आप ये बताइए, अगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछे आप जवाब देंगे उनको? पक्का? जल्दी जल्दी। अच्छा बताइए मुझे कि भारत में कितनी नदियां हैं, कितनी रिवर्स हैं भारत में? गंगा, हाँ? यमुना, हाँ? गोदावरी, हुँ? कृष्णा, हुँ? कावेरी, हुँ? माही, हुँ? साबरमती, हुँ? महानदी, हुँ? वंशधारा, हुँ? ऋषिकुल्या, हुँ? बैतरणी, हुँ? सुबर्णरेखा, हुँ? इंडस, हुँ? मुझे लगता है आपकी लिस्ट खत्म नहीं होगी, हमारा टाइम खत्म हो जाएगा। ये बता दीजिए जल्दी से, सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे लंबी रिवर कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। और 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 वो निकलती कहाँ से है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है पता है आपको? बताइए कहाँ पर है? मानसरोवर लेक। तो देखा आपने, ये छोटा सा एक टेस्ट है जो इस बच्ची की प्रतिभा के बारे में आपको बताता है, लेकिन ये बहुत छोटा सा टेस्ट है। इसके साथ साथ दुनिया भर के बारे में इस बच्ची के पास जितनी जानकारियां हैं वो वाकई अद्भुत है, अतुलनीय है। एक बार जोरदार ताली बजाइए और उसके बाद हम आपको एक खास बात और बताते हैं। हमारे साथ एक पूरा पैनल होगा जिसमें हमारे साथ साइकेट्रिस्ट होंगे, जिसमें हमारे साथ टीचर होंगे, जिसमें हमारे साथ एक्सपर्ट्स होंगे और जिसमें हमारे साथ ऐसे चाइल्ड प्रोडिजी भी होंगे जो बचपन में मेघाली की तरह किसी ने ढूंढ निकाले और आज वो कामयाबी के नए मकाम तक पहुंचे। उनसे भी पूछेंगे कैसा होता है जब बचपन से ही आपको कामयाबी का स्वाद चखने को मिलता है। लेकिन उनके साथ साथ हमारे साथ यहाँ बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं एपीजे स्कूल नोएडा के। एक बार जोर से अपने लिए भी तालियां बजाइए, अपना भी स्वागत कीजिए इस शो में। और ये बच्चे भी सवाल पूछ पाएंगे मेघाली से सीधे सीधे और मेघाली उनका जवाब देगी। उन बच्चों के साथ मेरी सहयोगी अदिति अवस्थी इस वक्त मौजूद है। अदिति, क्या कुछ पूछने वाले हैं ये बच्चे मेघाली से आज? रोहित, जब हमने देश और दुनिया को गूगल बॉय कौटिल्य से मिलवाया था तो सबने जो है वो दांतों तले उंगली दबा ली थी जिस तरीके की उनकी नॉलेज थी। और अब मौका है गर्ल पावर की बात करने का। मेघाली से सबको मिलने में बहुत एक्साइटमेंट है और हर कोई तैयार है अपने सवालों के साथ। एपीजे स्कूल नोएडा के तमाम बच्चे, उनके टीचर्स उनके साथ आए हैं। यहां बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि हर कोई चाहता है कि देश और दुनिया जाने कि हमारे देश में कितना इंटेलेक्ट है और कितना टैलेंट है। वो सवाल पूछना चाहते हैं मेघाली से, पूछिए। Hi Meghali, how many states and which all states are in United States of America? 50 states. And how, I mean, which all? Any few. Please name. Washington, Oregon, California, New Mexico, Arkansas, Texas, Arizona, Kansas, Nebraska, Missouri, Michigan, Wyoming, Indianapolis, Florida. मुझे लगता है इतने में ही ताली बज जानी चाहिए। Okay, now see actually Australia, USA. Ne, which are the neighboring countries of USA? Canada, Mexico. And tell something about Canada. Some islands of Canada. Islands of Canada. Melville Islands, Devon Islands, Perry Islands, Queen Elizabeth Island. प्रिंस चार्ल्स आइसलैंड, बफिन आइसलैंड, न्यूफाउंडलैंड। टेल सम रिवर्स ऑफ कनाडा। नेल्सन, अथाबास्का, मैकेंजी, सस्कैचवन, लियर। सम लेक्स ऑफ कनाडा। ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट बियर लेक। सम सिटीज ऑफ कनाडा। एडमंटन, वैंकूवर, हैलिफैक्स, विनिपेग। चलिए तो एक बार जोर से ताली बजाइए और फिर और बहुत सारे बच्चे हाथ उठा रहे हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। मेघाली साथ एक है यहाँ पर, क्या नाम है आपका? पूछिए। संभव, क्या पूछेंगे? हाय मेघाली, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार? यांगून। व्हाट? लवली। यांगून। कैपिटल म्यांमार। What is the question? क्या question था आपका? What is the capital of Myanmar? What is the capital of Myanmar?
रेंगून। यंगून। वो रेंगून कह रही हैं। आप सेटिस्फाइड हैं इस जवाब से? यंगून। नहीं। आपकी तरफ से क्या जवाब है? नापीडो। निगाली, आपकी बात सही है कि उनकी बात सही है? देखो कंफ्यूजन। I have some, I have little confusion about that. किसी को इसका सही जवाब पता है? देखो सब बच्चे कह रहे हैं रंगून, इसका मतलब मेघाली सही जवाब दे रही है। से ताली अभी जैसे जैसे खुलेगा वो, अभी आपने म्यांमार के बात पूछे, टेल मी समथिंग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ म्यांमार। इंडिया, चाइना, थाईलैंड, लाओस। लाओस। व्हाट इज द मेजर माउंटेन्स इन म्यांमार? पेगुयामा, आकन्यामा, शान प्लेट्यू। ओके, व्हिच आर द मेजर रिवर्स ऑफ म्यांमार? इरावदी, सितांग, चिंद्विन, मेकंग। चलिए, लेकिन एक बात हम अपने दर्शकों को बता दें और बहुत सारे बच्चे जो हमारे साथ यहाँ पर हैं उनको भी बता दें कि अगर हम ये भी सोच लें कि ये सब मेघाली ने याद कर लिया है, जैसे हम करते हैं अक्सर, एग्जाम पास आ जाता है तो हम कॉपी लेके बैठते हैं और रटना शुरू कर देते हैं, बार 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 पढ़ते हैं, तीन बार पढ़ते हैं, पांच बार पढ़ते हैं, सात बार पढ़ते हैं, तो वो उसी ऑर्डर में हमें चीजें याद हो जाती हैं। पर ये हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि जितना अगर रट भी गया तो क्या जितना मेघाली ने रट लिया उतना हम कभी रट पाए थे या रट पाएंगे या रट पाते हैं अपने एग्जाम देते टाइम? आप बताइए क्या आप रट पाते हैं इतनी कोशिश करने के बाद? ऐसी जानकारी जिसकी जरूरत ना हो, उतनी जानकारी होना ही अपने आप में काबिले तारीफ बात है। हमारे साथ एक बच्ची बहुत देर से एक सवाल करना चाहती है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुलग्ना है। प्लीज अपना क्वेश्चन। हाय, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि साउथ अमेरिका में कितनी कंट्रीज हैं? ओके, हाउ मेनी कंट्रीज, टेल द नेम्स ऑफ दैट कंट्रीज। Tell the names of countries. Tell the name of names of all those countries. Suriname, Guyana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Chile, Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay, Bolivia. Baarah ho gayi? Okay. Now, it's your question. Suppose Brazil one country here. What is the major rivers of Brazil? अमेजन। वेयर फ्रॉम? अमेजन ओरिजिनेट फ्रॉम व्हिच प्लेस? कौन सी जगह से वो निकला हुआ है? पेरू, ग्लेशियर फेडलेक। एंड फॉल्स इनटू? कहां से? अटलांटिक ओशन। एंड व्हिच आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ अमेजन? पुरुस, मदिरा, जिंगू, ब्लांको, निग्रो, ताजापास, जपुरा। गर्ल, आर यू सैटिस्फाइड? आर यू सैटिस्फाइड? पीछे भी देखो, पीछे भी सवाल है। क्या नाम है आपका? ट्रीना, प्लीज सवाल पूछिए। हाय मेघाली, व्हाट इज द नेम ऑफ द डेजर्ट इन मंगोलिया वेयर टू हम्प्ड कैमल्स आर फाउंड? गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट। ओके, नाउ यू आस्क अबाउट मंगोलिया, नाउ सी टेल समथिंग अबाउट मंगोलिया, नेबरिंग कंट्रीज और करेंसी और एनी। कैपिटल उलानबटोर। Surrounding countries are Kazakhstan, China, Russia. And currency? Currency? याद है currency? नहीं याद है। चलो कोई बात नहीं, इतना तो छोड़ा जा सकता है। इसके लिए जोरदार ताली बजाइए एक बार जोर से। Currency का नहीं? लेकिन हम मेघालय के साथ। मंगोलिया, टुग्रिक। 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 चलिए एक बार फिर से ताली बजा दीजिए, क्योंकि करेंसी भी याद करके बता दी उन्होंने। लेकिन एक खास बात देखिए, हम ब्रेक ले रहे हैं पर मेघाली हमारे साथ लगातार है। मेघाली से हम और सवाल पूछेंगे, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ हैं, एक्सपर्ट्स का पैनल भी हमारे साथ है, उनको भी हम लेकर आएंगे ऊपर, वो भी मेघाली से सीधे बात कर सकेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद हमारे पास दो सरप्राइज पैकेज हैं आपके लिए। एक सरप्राइज तो ये जो हमने सबसे छुपा के रखा है कि ब्रेक के बाद मेघाली भी आप सबसे सवाल पूछेगी और हम देखेंगे कि कितने लोग जवाब दे पाते हैं। एक राउंड आपने देख लिया, एपीजे स्कूल नोएडा के बहुत सारे बच्चे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो मेघाली से उम्र में बड़े हैं। मेघाली सेकंड क्लास में पढ़ती है, ये बच्चे सेवन्थ, एट, नाइन्थ क्लास में पढ़ते हैं। सबने मेघाली से सवाल पूछे, अब मेघाली की बारी है, अब मेघाली आप सबसे सवाल पूछेगी। तो तैयार हैं आप लोग मेघाली के सवालों का जवाब देने के लिए? Yes, sir. पक्का?
तो बताइए सबसे पहला सवाल किससे पूछेगी मेघाली, आप बताइए कौन सबसे पहला जवाब देगा। रोहित मेरे साथ सिद्धार्थ हैं, इन्होंने जो है कहा है कि ये जवाब देंगे जो भी सवाल होगा मेघाली का। और मैंने इन्हें ब्रेक में ये भी बोलते देख लिया था अपने दोस्तों से कि अगर वो जवाब सही देते हैं तो उनको एक्स्ट्रा मार्क्स टेस्ट में मिलने चाहिए अपने टीचर से। चलिए तो मेघाली आप रेडी हैं सवाल पूछने के लिए, आप पूछे सवाल क्या पूछना चाहते हो? पूछो। कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। केप टाउन। तो सिद्धार्थ के लिए ताली बजवा दें। कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। केप टाउन इटोला। साउथ अफ्रीका। यू टेल। केप टाउन विक्टोरिया लंगफोंटेन। देयर आर थ्री कैपिटल्स। यस। बताओ बताओ तीनों नाम एक बार फिर से साफ साफ बताओ। केप टाउन प्रिटोरिया ब्लोमफोंटेन। तो आप ये बताओ कि अब उनके लिए ताली बजवाएं कि नहीं दोबारा से? उन्होंने ठीक जवाब दिया आपके लिए आपके हिसाब से। चलो मेघाली कह रही है आपको पूरे मार्क्स हैं। सेकंड क्वेश्चन आप इन्हीं से पूछोगे या किसी और से पूछोगे? कौन जवाब देगा रोहित पहले बताओ। सेकंड क्वेश्चन का जवाब कौन देगा? सेकंड सवाल का जवाब कौन देगा? कौन है तैयार? बिना क्वेश्चन के जवाब देने के लिए। चलो पहले क्वेश्चन सुनवाते हैं उसके बाद देखेंगे कौन जवाब देना चाहता है। मेघाली सेकंड सवाल पूछो। कैपिटल ऑफ बेनिन। कैपिटल ऑफ बेनिन कौन बताएगा? जल्दी जल्दी कैपिटल ऑफ बेनिन कौन बताएगा? जल्दी 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 काउंटडाउन स्टार्ट कर दें। उल्टा सबने हार मान ली। एनीबॉडी विल वांट टू गिव इट अ ट्राई? आप ट्राई करोगे? सबने हार मान ली। यू कैन गिव इट अ ट्राई। 10, 9, 8, 7, 6 एक हाथ उठ गया देखो। अरे यस यस ये तो घर से ही उठा है। वोट नो। ठीक जवाब दिया इन्होंने पक्का। ताली बजा दे इनके लिए, जोर से ताली बजा दो। लेकिन 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 इनको मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि ये कौन है? ये मेघाली के भाई हैं जिन्होंने जवाब दिया इस सवाल का। चलिए एक सवाल और पूछते हैं, जल्दी से पूछो क्या सवाल पूछना चाहते हो। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। यस शूट। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया पे बहुत सारे जवाब देंगे, जल्दी बताओ। वियना। ताली बजा दे। तो बजाइए ताली जोर से। अब इन्होंने भी बहुत सारे सवाल इकट्ठे करने हैं, ये भी आपसे और सवाल पूछना चाहते हैं। लेकिन इनसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और वो ये सवाल है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर मैं आपसे कहूँ ए टू जेड सारी कंट्रीज के नाम बता दो, आप बता सकते हो क्या? पक्का? तो आप हमें ए से आने वाले कुछ कंट्रीज के नाम बताओ। ऑल कंट्रीज। ऑल कंट्रीज बताओ। अल्जीरिया, बेनिन, इजिप्ट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नो नो अल्फाबेटिकल नॉट, टेल एनी ऑर्डर। अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनिशिया, लीबिया, इजिप्ट, इजिप्ट, सूडान, चाद, नाइजर, माली, मॉरिशोनिया, सेनेगल, गाम्बिया, गुनिया, आइवरी कोस्ट, बुर्किना, बेनिन, टोगो, घाना, नाइजीरिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, उगांडा, केन्या, रवांडा, बुरुंडी, तांजानिया, इथोपिया, जिबोती, इरिट्रिया, सोमालिया, जाम्बिया, मालोवी, कांगो, गैबून, इक्वेटोरियल गुनिया, साउथ टाइम एंड प्रिंसिपी, कैमेरून, नामीबिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, लेसोथो, स्वाजीलैंड, मडागास्कर, साउथ सूडान। साउथ सूडान। साउथ सूडान न्यू कंट्री नाउ साउथ सूडान। 47 कंट्रीज के नाम मेघाली ने अभी अभी बताए हैं। ये अपने आप में एक 7 साल की बच्ची के लिए बहुत बड़ी बात है। आज हम आपको मिला रहे हैं इंडिया की गूगल गर्ल से। जी हाँ, पहले हमने आपको मिला था गूगल बॉय से, आज हम आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं इंडिया की गूगल गर्ल। 7 साल की मेघाली 196 देश दुनिया के, और उन देशों का पूरा डेटा
कहते हैं कि मेघालय के दिमाग में जैसे किसी ने फीड कर दिया, वो उन देशों के बारे में हर चीज हर जानकारी बता देती है। और आज हम मेघालय को लेकर आए हैं आपके सामने, उसके टैलेंट का टेस्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उसके टैलेंट का परिचय कराने के लिए, पूरे देश से पूरी दुनिया को ये बताने के लिए कि हमारे देश में कैसी कैसी विलक्षण प्रतिभाएं मौजूद हैं। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमानों का एक पूरा पैनल यहाँ पर आ चुका है। हम आपका तारुफ करा दें। सबसे पहले डॉक्टर नरेश पंत हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी डीयू से। स्वागत है आपका डॉक्टर पंत हमारे इस खास प्रोग्राम में। हमारे साथ एससी तिवारी साहब हैं, जो कि एपीजे स्कूल नोएडा के प्रिंसिपल हैं। स्वागत है तिवारी साहब आपका भी। हमारे साथ डॉक्टर पूनम फोगाट हैं, जो कि जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं। स्वागत है पूनम आपका भी। और हमारे साथ एक चाइल्ड प्रोडिजी भी हैं, ये देखिए दिवाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। दिवाकर को आपने अक्सर टीवी पर देखा होगा, सारे गामा पा में दिवाकर की पहचान बनी, और दिवाकर ने उसके बाद से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। गायन की उनकी प्रतिभा बचपन से ही जो पहचान में आई थी, उसके बाद से लगातार दिवाकर आगे बढ़ते गए। दिवाकर आए और हम उनसे बातें करने लगे, गाना ना सुने, ये कैसे हो सकता है? दिवाकर पहले एक जल्दी से गाना सुना दीजिए अच्छा सा मेघालय। मेरी आशिकी अब तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। थैंक यू। बहुत शुक्रिया दिवाकर इस बेहद खूबसूरत गाने के लिए। मेघालय कैसा लगा आपको गाना? मजा आया? आप हिंदी मूवीज देखते हो? नहीं देखते? पिक्चर्स देखते हो वैसे? मूवीज देखते हो आप? नहीं देखते? टीवी देखते हो? क्या देखते हो टीवी पर? कार्टून। कार्टून देखते हो? देखिए ये है बालमन, इसी से पता लगता है कि 7 साल की बच्ची है। ज्ञान उसके पास बेशक कितना सारा भरा हो, लेकिन है वो अब भी बच्चा ही। पर अब जो हम करने जा रहे हैं वो आपको फिर सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या वाकई ये बच्चा है या सच में ये गूगल है जिसको सब कुछ पता है। प्रोफेसर पंत, क्या हम शुरू करें एक बार फिर से मेघालय से सवाल जवाब का सिलसिला? तो आप पूछिए, आप मेघालय से क्या पूछना चाहते हैं? सबसे पहले आप क्या जानते हैं? मेघालय को कुर्सी से उतरना पड़ेगा जो मैं पूछना चाहता हूँ उसके लिए, क्योंकि उसने ये बताया, आश्चर्यचकित किया हमें कि उसे कितना याद रहता है, मगर क्या उसे वो चीज़ नक्शे में भी समझ आती है नहीं आती, ये देखने के लिए। मेघालय अफ्रीका के तुमने बहुत सारे देश बताए थे, ये बताओ कि बेनिन कहाँ पर है इस नक्शे पे? बेनिन कहाँ है आप इस मैप में दिखा सकते हो? मैप बता सकते हो? दिखाओ कहाँ पर है बेनिन। ये पक्का? पक्का लॉक कर दे? बिल्कुल। हम चेक करते हैं जरा, अपने सहयोगियों से मैं बोलता हूं कि बताइए कि भाई यही बेनिन है या कहीं और बेनिन है। अरे अरे वाह, ये तो सच में आ गया, जोरदार ताली बजाइए। अच्छा ये बताइए बेनिन, बेनिन के बारे में आप कुछ बता सकते हो हमको? बताओ क्या क्या बता सकते हैं? कैपिटल, बेनिन की कैपिटल कहाँ है? आप अपनी जगह पर बैठ के भी बता सकते हो, बता दो साथ साथ कैपिटल का नाम आपने क्या बताया था? पोर्टनोवा। पड़ोस देश। और इसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज हैं? नाइजीरिया, नाइजर, टोगो। हम अगर मैप वापस लाएं तो आप उसमें आसपास बता सकते हो इसके साथ की कंट्रीज कौन कौन सी है? हम देखो मैप में दोबारा बेनिन आपको दिखाते हैं एक बार, और फिर आप हमें बताओ बेनिन के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज है।
नाइजीरिया ओके नाइजर ओके टोगो ओके बुर्किना ओके ये देखिए ये वही टोगो है जहां से कैप्टन सुनील जेम्स रिहा होकर भारत वापस लौटे हैं। उनका बेटा विवान जिसको अपने फादर से मिलाने के लिए जी न्यूज ने एक पूरी मुहिम चलाई थी। ये वही छोटा सा देश टोगो है। आज बहुत से लोगों ने पहली बार मेघालय की बदौलत देखा होगा कि दुनिया में ये देश कितना छोटा सा है। तिवारी सर आप सवाल पूछना चाहते हैं आगे मेघालय से पूछो। एक मेघालय एक सेनेगल एक जगह होती है, क्या उसको पहचान सकते हैं आप सेनेगल ढूंढ सकते हो? मैप दिखाएं तो सेनेगल को देख के बताएं कहां पर है। सेनेगल कहां पर है मेघालय, आप इस मैप में बता सकते हो सेनेगल कहां पर है? ये पक्का पक्का, चलिए हम चेक कराते हैं एक बार, चेक कराइए सेनेगल कहां पर है, देख लो आपके पास अभी टाइम है। अरे ये तो यहीं पर निकला है। अभी सेनेगल के बारे में कुछ बताओ ना। अच्छा अब आप बताइए मेघालय कर लीजिए, आप बताइए सेनेगल के बारे में आपको कुछ पता है और नेबरिंग इसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज है दिखा सकते हो आप बताओ? मॉरिशिया, माली, गुनिया बिसु, गुनिया, गंबिया। और यहाँ की करेंसी क्या आपको मालूम? सेनेगल। यहाँ की रिवर्स पता है आपको? बताओ कौन कौन सी? सेनेगल, गंबिया। यही दोनों रिवर्स है? ये तो हमें आपके पापा से ही चेक करना पड़ेगा, क्या यही दोनों रिवर्स है? छोटा सा रिवर्स सेनेगल है, गंबिया। चलिए तो फिर ताली बजाइए जोर से इसके लिए। अच्छा अब मैम आपसे सवाल पूछे, एक पूछ ले, आप रेडी हो? पक्का? चलो तो हम एक बार फिर से मैम आपसे चाहते हैं कि आप इससे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिए। हेलो मेघालय, कैसे हो? अच्छा हो। ओके गुड। अच्छा आप मुझे बताएंगे गैबन कहाँ पे है साउथ अफ्रीका में? गैबन अफ्रीका। आप बता सकते हो कहाँ पर है इसमें? चलो दिखाओ कहाँ पर है ये, पक्का? और इसके नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन है बताओ? इसके नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से? कैमरून, कांगो और इक्वेटोरियल गुनिया। ओके ये तो सच में गैबन निकल आया, ताली बजाइए जोर से एक बार। इसके बारे में और कुछ बता सकते हो हमें? गैबन। हाँ गैबन के बारे में कुछ बता सकते हो? गैबन कैपिटल लिब्रेवेल। कैपिटल लिब्रेवेल। कैपिटल लिब्रेवेल। अच्छा और यहाँ की कुछ खास बात आपको बताओ? अरे नेबरिंग कंट्रीज मामा, नेबरिंग कंट्रीज तो आपने दिखा दी हमें, कौन सा था बताओ एक बार फिर से कौन कौन सी? कैमरून, कांगो, इक्वेटोरियल गुनिया। ओके टेल मी समथिंग अबाउट कांगो। कांगो इट्स स्टिल सबको बताओ, इधर मुकर के सबको बताओ कांगो के बारे में। कौन सा रिवर अफ्रीका का सबसे बड़ा रिवर है? लॉन्गेस्ट। सबसे बड़ा रिवर अफ्रीका का? लॉन्गेस्ट नाइल। ओके नाइल। लॉन्गेस्ट नाइल मीन्स कहाँ से वो निकला हुआ है? लेक विक्टोरिया। एंड फॉल्स इनटू? मेडिटेरेनियन सी। वेयर इज लेक विक्टोरिया? उगांडा। वेयर इज उगांडा? नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अफ्रीका। ओके नेबरिंग कंट्रीज ऑफ उगांडा। नेबरिंग कंट्रीज ऑफ उगांडा रवांडा, तंजानिया, केन्या, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, सूडान। ओके कांगो, व्हाट इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ कांगो? प्लेस ऑफ कांगो कॉन्फ्लुएंस ऑफ लुलाबी एंड लुलामी। अच्छा टेल मी तंजानिया अबाउट समथिंग अबाउट तंजानिया, व्हाट इज द करेंसी ऑफ तंजानिया? करेंसी तंजानिया तंजानियन शिलिंग। तंजानियन शिलिंग। नेबरिंग कंट्रीज ऑफ तंजानिया? नेबरिंग कंट्रीज ऑफ तंजानिया केन्या, उगांडा, रवांडा, बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, जाम्बिया, मालावी, मोजाम्बिक। मेरा मन कर रहा है एक बार फिर से इसके लिए जोर से ताली बजनी चाहिए। मुझे तो कम से कम जब मैं इतना था तो मुझे इतना याद नहीं रहता था, मुझे पता नहीं आप में से किसी को रहता कि नहीं। तिवारी जी आप तो रोज इतने 2,500 बच्चों के 3,000 बच्चों के बीच में रहते हैं, आप इसको देखकर कुछ हैरानी हो रही है आपको या आपको लग रहा है कि नहीं ये नॉर्मल है हिंदुस्तान में? नहीं काफी आश्चर्य है इस चीज को देखकर, और
जो प्रतिभा सामने दिखाई दे रही है, सबसे पहले मैं जी टीवी का इनकी इस मुहिम का बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस तरीके से वो अपनी इन बच्चों की प्रतिभाओं को ऐसी ऐसी जगह से निकाल के बाहर ला रहे हैं। उन्हें देखकर सरप्राइज होता है, समटाइम्स ऐसा लगता है कि क्या हम उसे विश्वास करें या नहीं करें, लेकिन ये सच्चाई है और इस सच्चाई को देख के मुझे ये लगता है। और ख़ास तौर से जो आपकी पहली कौटल्या के रूप में निकल कर आई थी और आज एक गूगल गर्ल के रूप में निकल कर आई है, इज समथिंग विच इज़ आउटस्टैंडिंग एंड इट रियली रिफ्लेक्ट्स दैट वी हैव लॉट ऑफ टैलेंट एंड जस्ट नॉट इन मेजर मेट्रोपोलिस बट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड इन इंडिया इटसेल्फ। एक बात बताओ मेघाली, आपने सोचा है आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सोचा है आपने कुछ कुछ प्लान किया है? बताओ क्या बनना चाहते हो? साइंटिस्ट बनना चाहते हो, वेरी गुड। अच्छा पूनम जी एक बात बताइए, जैसे हम पहले कौटिल्य को लेकर आए, पूरे देश ने देखा और कुछ ही सेकंड्स में वो वायरल हो गया, हर कोई कौटिल्य को देखना चाहता था, जानना चाहता था, उसके बारे में और जानकारी चाहता था, उसके सवाल जवाब देखना चाहता था, और मुझे यकीन है कि गूगल गर्ल को देखने के बाद भी वैसा ही होगा। आपको लगता है कि और बच्चे जो सब देखते हैं उनका हौसला बढ़ता है, उससे उनमें थोड़ी सी ये फीलिंग आती है कि हम भी और आगे बढ़ें, हम भी सीखें? बिल्कुल, मैं ऐसे बच्चों को टैलेंटेड या गिफ्टेड के रूप में देखना चाहूंगी, लेकिन इसके साथ साथ इनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है जो राइट समय पे ट्रेनिंग देना स्टार्ट करते हैं ऐसी चीज़ों को देख के कि बच्चे में ये एबिलिटी है। और मैं इस चीज़ पे और आपको कॉन्ग्रेट्स करना चाहती हूँ कि आपने मतलब एकेडमिक अचीवमेंट पे भी इतना फोकस दिया है। हमारे देश में एक लहर सी चल गई है म्यूजिक डांस शोज में ज़्यादा बच्चों को प्रोत्साहन। मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी एबिलिटी कम होती है, पर हमको हर चीज़ में बच्चों का फोकस डालना चाहिए, ना कि एक ही हमारे देश में एक चीज़ चलती है भेड़ चाल जिसको बोलते हैं, हम एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। तो हर चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है और बच्चों का इस तरफ भी ध्यान आना, स्पोर्ट्स में ध्यान आना, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। एंड ये जिसे हम कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंसेज होती हैं बच्चों में, हर चीज़ का एक डिफरेंट, हर बच्चे में एक स्पेशल एबिलिटी होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस डेवलप। तो ये उस तरीके का एग्जाम्पल है और राइट ट्रेनिंग मिलेगी तो ये बहुत एक्सेल कर सकती है अपने। चलिए अभी तो हम आगे की ट्रेनिंग का पता नहीं, अभी की ट्रेनिंग को हम दिखा रहे हैं लोगों को। अभी हम इनसे करेंसी के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं और वो करेंसी भी हम कोशिश करेंगे स्क्रीन पर दिखाएं। फंत साहब आप सवाल शुरू करेंगे, आप पूछेंगे कोई सवाल इनसे। मेघाली दोबारा तैयार हो? अर्जेंटीना आ गया, देखो मैं आप सर मुझे लगता है अर्जेंटीना वाला कुछ। पहले ये बताओ कि ये कौन से कॉन्टिनेंट में है? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में है, तो ये साउथ अमेरिका के उत्तर में कि दक्षिण में, नॉर्थ में कि साउथ में, बता सकते हैं? साउथ में। इसकी कैपिटल कौन सी है? ब्यूनस आयर्स। अब बताओ इसकी करेंसी क्या है? ऑस्ट्रल पेसो। अरे वाह, ये तो वही लिखा हुआ आ गया, तो आप भी तो अपने लिए ताली बजाओ। करेंसी का नाम हमें पढ़ के बताओ पहले कि इसका नाम पढ़ते कैसे है? ज्लोटी बोलते हैं इसको। और ये कौन सी कंट्री की करेंसी है? पोलैंड की करेंसी है ये, पक्की बात है? चेक कराएं हम लोग, चेक कीजिए कि ये वाकई पोलैंड की करेंसी है या किसी और कंट्री। अरे ये तो सच में पोलैंड की करेंसी है। आप पूछना चाहेंगी पूनम? मेघाली बताएंगे आप पेरू की करेंसी क्या है? पेरू की करेंसी क्या है आपको मालूम है? पेरू कौन से कॉन्टिनेंट? पहले बताओ पेरू कहाँ पर है? पेरू साउथ अमेरिका। उनकी करेंसी कौन सी है? न्यू वसल। यस यू राइट। इसकी लैंग्वेज क्या है? पेरू स्पेनिश। स्पेनिश है। अभी तो हम करेंसी में उलझे हुए हैं, हमें पता नहीं रहे कि यहाँ पे वाकई करेंसी सही है कि गलत है। भाई मुझे तो नाम पढ़ना नहीं आ रहा है, आप दोबारा बता दो कि इसका नाम क्या बताया था आपने? न्यू वसल। क्या सच में यही है? ताली बजाते हैं जोर से, वेरी गुड।